अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, ये मैंने हलवा बनाया था शब रात के, ये क्लिप है। मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर लूँ। और आज का मेरा जो व्लॉग का टॉपिक है, मैंने एक मखसूस टॉपिक सेलेक्ट किया है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो आप व्लॉग देखते जाइए, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मेरी ये बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं ओवरथिंकिंग के अबाउट बात करना चाहती हूँ। स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग करने से आप लोग एन्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन ऐसा मर्ज है जिसका कोई भी, मतलब आप खुद के अलावा उसको कोई भी हल नहीं कर सकता। ये होगा अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको मेडिसिन देंगे और उसकी मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपनी सोचों पे, ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे, वो कंट्रोल नहीं होगी। ओवरथिंकिंग का एक सिंपल सा मिसाल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मेड चली गई, अब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों काम छोड़ दिया, मैंने उसके साथ अच्छा किया, बस हर वक्त आपके उसमें दिमाग में वही सोच चलती रहेगी। तो ये बेसिकली ये होती है ओवरथिंकिंग। और सिंपल और आसान अल्फाज में ये कि कुछ लोग जो होते हैं वो माजी की बातों को दोहराते रहते हैं, माजी के अबाउट सोचते रहते हैं, कि उन चीज़ों को अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। और कुछ ये होते हैं कि फ्यूचर के अबाउट सोच सोच के डर रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या करेंगे, कैसे होगा, किस तरह से मैनेज करेंगे। तो काइंडली इन सारी चीज़ों को आप छोड़ के अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें और ओवरथिंकिंग से बचें। स्टॉप कर दें ओवरथिंकिंग को और अपने हाल में जिए। जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वो हाल का मज़ा एंजॉय नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हर चीज़ इंसान के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने इंसान को पावर दी है, इसीलिए तो इंसान को सारी मखलूक के ऊपर अपना अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो इसी ही चीज़ों को आप सोचें और सोचें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को कितना अनमोल बनाया है। अशरफुल मखलूकात मतलब हर मखलूक के ऊपर, उससे बालातर। तो हर चीज़ इंसान के अपने कंट्रोल में है। जैसे कि हमारा दिल नहीं करता कि हम ये चीज़ ना खाएं और हम ये काम ना करें, तो हम वो नहीं करते। और इसी तरह से ही ओवरथिंकिंग भी एक हमारे इख्तियार में है कि हम ना सोचें। और जब भी आप फारिग रहेंगे, फजूल बैठे होंगे, कोई कामकाज नहीं होगा, तो आपका टाइम ज़ाया होगा और आपके दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। बातों का चलना मतलब आपको डिप्रेशन में लेके जाना, एन्जाइटी में लेके जाना, ओवरथिंकिंग। फिर यहाँ पे मैं अम्मी को लेके आई हुई थी हॉस्पिटल। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो उनको भाई अंदर लेके गया हुआ है। मैं, अली, इज़ान उनका वेट कर रहे हैं कि जब तक वो डॉक्टर से फ्री होके आ जाएं, फिर उनकी नेक्स्ट टाइम किसी और डॉक्टर के पास है। तो इतने में हमारा ये प्लान बना है कि हम सी वी यू पर जाएँगे, क्योंकि सी वी यू इधर से बिल्कुल करीब पड़ रहा है। वहाँ जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा वो टाइम पास करेंगे। तो जनाब, बहुत हमें लग रही थी भूख, हम आ गए बिरयानी सेंटर पे। और मेरे भाई को यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है। जब मैंने यहाँ की बिरयानी ट्राई की तो बिल्कुल रिज़िक है, वैसे कहना नहीं चाहिए, कोई भी उसमें टेस्ट नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस बिरयानी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर चीज़ को उन्होंने बॉयल करके और मिक्स कर दिया है, बिरयानी का नाम दे दिया है। खैर, एनीवेज, हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, स्टॉप ओवरथिंकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो आप
जो है ना, अपने आप को इतना कंट्रोल में रखें कि आप ना पास्ट से आपको सोचो कि कॉल आए तो उसको स्टॉप कर दें, उसको बंद कर दें। उसको अपने दिमाग में दौड़ाने से बेहतर है कि प्रेजेंट में जिए। तो चलिए, इधर हम आए थे, हमने कहा हमें वैसे ही सी व्यू जाना है, अम्मी को थोड़ा लेके जाएंगे, अम्मी का माइंड फ्रेश होगा। क्योंकि कहते हैं कि समंदर पे आप आते हो तो खुदा की सारी खुदाई आपको नज़र आती है, कि ऐसा लगता है जैसे आप अल्लाह ताला से रूबरू रुजू कर रहे हो, सामने उसकी कुदरत को देखते हैं कि क्या कमाल है उस रब का, क्या कारसाज है वो मेरा मालिक, मेरा रब, जिसने एक इस समंदर में, मैं तो समझती हूँ जब भी मैं सी व्यू पे जाती हूँ मुझे बस एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। वहाँ जाके आपको सुकून भी आता है, वहाँ जाकर आपको मतलब ये भी फील होता है, वहशत भी फील होती है, पानी की दहशत, सॉरी वहशत नहीं, दहशत, कि किस तरह से वो मोजे हमारी तरफ भागी आ रही हैं। एक लम्हे को तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी ये आएंगी और अभी हमें अपनी लपेट में ले लेंगी, मगर अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि वो रब है, उसने हर चीज़ का टाइम मुकरर किया है, उसकी चाहत के बग़ैर एक तिनका नहीं हिल सकता। तो ये मिसाल मैंने आपको इसीलिए दी कि ये हो जाती है हमारी ओवरथिंकिंग, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ओवरथिंकिंग आ जाती है, डर लगता है, खौफ होता है कि ये पानी कहीं मुझे अपनी जद में ना ले ले, अपनी लपेट में ना ले ले। पर फिर एक लम्हे के लिए मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ, कहती हूँ स्टॉप, ऊपर है ना अल्लाह की ज़ात जो हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाली है, जो उसने मेरे लिए बेहतर समझा होगा वही होगा, मेरे चाहने या सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, अम्मी को घुमाया फिराया, फिर हम थोड़ी देर डॉलमेन आ गए, वहाँ पे हमने फिर शाम हो गई थी, रिफ़्रेशमेंट की, गोलगप्पे वगैरह खाए। आई होप कि आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरा टॉपिक भी पसंद आया होगा। तो काइंडली मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मैंने अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया था या नहीं किया था। और स्टॉप ओवर थिंकिंग, मतलब छोड़ दें यार, माजी के अबाउट सोचना छोड़ दें, जो चीज़ें गुजर गई हैं उनके बारे में क्या सोचना, वो वक्त तो वापस आएगा नहीं कि हम इन चीज़ों को सही कर सकेंगे। जो हमारा हाल है, जो हमें अल्लाह ताला ने प्रेजेंट दिया है, हम उसी में खुश रहें, उसको बेहतर बनाएं, उसमें अपने आप को मसरूफ़ रखें, उसके लिए काम निकालें कि हमने ये करना है, हर चीज़ को मतलब इंजॉय करना है, एक लम्हे को जी भर के देना है, जीना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो लम्हात हमें तोहफ़तन मिले हैं, अल्लाह ने हमें वो मोहलत दी है ज़िंदगी को हमारी को, कि आप इस तरह से जिए, इनका लुत्फ उठाएं। और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने से भी आप एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो काइंडली डोंट ओवरथिंकिंग, स्टॉप ओवरथिंकिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।